हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी दीपक, कैसे हैं? थैंक फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर कम्प्लीटिंग 4 ईयर्स इन दिस बिजनेस. 4 साल हो गए आप. थैंक यू वेरी मच जी. सो बेसिकली हमने ये कॉल इसलिए अरेंज किया आपके साथ टू जस्ट गैदर सम सॉर्ट ऑफ फीडबैक. कुछ फीडबैक कलेक्ट करना चाहते थे आपसे कि कैसा रहा आपका 4 साल, क्या आपके हैप्पी मेमोरीज थे, क्या आपके सजेशन है ब्रांड के लिए. एंड बेसिकली ये एक यूट्यूब वीडियो बनेगा जो हम अपने चैनल पर डालेंगे. एंड दिस शुड हेल्प अदर प्रॉस्पेक्ट्स जो सोच रहे हैं ये बिजनेस एंटर करें या नहीं करें, या कार्सपा के साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, उनको ये कॉल शायद थोड़ा एक इंसाइट देगा कि हाउ बिजनेस हैपन्स एट कार्सपा. सो लेट मी जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. हेमंत जी, आपको 4 साल हो गए बिजनेस में, इसके पहले आप क्या कर रहे थे एंड वाई डिड यू चूज कार डिटेलिंग एज योर प्रोफेशन? और देखिए, मैं लास्ट 22 ईयर्स से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में था. मतलब मैंने काफ़ी ब्रांड्स में काम किया, स्टार्टिंग फ्रॉम हुंडई मोटर्स इन जयपुर, एंड देन आई वर्क विद BMW, मर्सिडीज, ऑडी में भी काम किया. एंड लास्ट जॉब मेरा हार्ले डेविडसन में था एज अ बिजनेस हेड. तो आफ्टर वर्किंग फॉर 22 ईयर्स, देन आई रियलाइज कि कुछ एक अपना स्टार्टअप करना चाहिए, बिकॉज इन सर्टन स्टेज ऑफ लाइफ आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा क्रिएटिव, ज़्यादा अपना कुछ स्टार्ट करना ही चाहिए. बहुत टाइम से मैं सर्च कर रहा था, तो मैंने काफ़ी जगह ऑप्शन देखे कि कार्सपा से कॉन्टैक्ट किया, इवन आई वेंट टू डिटेलिंग माफिया या डेविल या 3M. तो 4 साल से मैं कॉल ले नहीं पा रहा था, बट फाइनली देन कार्सपा से आई फील मोर कम्फर्टेबल. दे हैव मोर ट्रांसपेरेंट मैसेजेस उनकी तरफ से आते थे. दे वर नॉट वेरी पुशी कि भाई आपको फ्रेंचाइज खोलना ही है. एंड सबसे बेस्ट पार्ट मुझे कार्सपा में थोड़ा सा लगा कि वो ट्रेनिंग दे रहे थे कि बेसिकली व्हाट इज डिटेलिंग, डिटेलिंग होती क्या है. बाकी नॉन कार्सपा में थोड़ा सा उनका ट्रेनिंग पे फोकस कम था, फोकस सेल्स पे ज़्यादा फोकस था. तो मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा था कि स्पेशली लग्जरी कस्टमर को एक्सपीरियंस भी चाहिए और नॉलेज भी चाहिए, और मतलब एग्जैक्टली कोटिंग क्या होती है, BPS क्या होता है, रादर देन सिर्फ बेचने के हिसाब से. सो आई फेल मोर कम्फर्टेबल विद कार्सपा. तो मैंने फिर कार्सपा का मैंने कॉल ले लिया 2019 में. उनको सर से बात हुई, मोनिका मैम से बात हुई, और फाइनली फिर हमने ट्रेनिंग लेके एंड देन वी ओपन द स्टूडियो ऑन 18th अगस्त 2019. जी. सो जी, पूरा आपका जो जर्नी था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एंड देन जो आपका एक्सपीरियंस था, दैट टोल्ड यू के अब एक बिजनेस करना है. एंड देन हाँ, कुछ वैल्यूज मैच हुई शायद आपकी, आपकी भी वैल्यूज यही थी. हाँ. ट्रांसपेरेंसी एंड क्वालिटी ओरिएंटेड काम देना, इसलिए शायद इट मेड सेंस फॉर यू टू जॉइन कार्सपा. कार्सपा, करेक्ट. सो थैंक यू फॉर द आंसर. सेकेंडली आई ऑल्सो वॉन्टेड टू नो के आपके हिसाब से HO का सपोर्ट कैसा रहा है लास्ट 4 ईयर्स में डिफरेंट वर्टिकल्स में. व्हाट डू यू थिंक उसके ऊपर? हाँ देखिए, क्योंकि जब हम फ्रेंचाइज नहीं अपने खोली तो मुझे भी बिजनेस का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट जीरो था. तो मेरे लिए भी एक रिस्क था कि फ्रॉम जॉब टू बिजनेस, मतलब बिल्कुल ही ट्रांजिशन है, मतलब बहुत डिफिकल्ट है. क्योंकि जॉब में तो सर्टन गाइडलाइंस के आपको ऐसे काम करना है, बट बिजनेस में सब कुछ आपको ही करना है, जीरो से स्टार्ट करना है. तो वहाँ पर हेड ऑफिस का सपोर्ट बहुत अच्छा था. उन्होंने इनिशियल डेज में हमें पहले ट्रेनिंग मिली, फिर उनका एक स्टाफ 4 to 5 डेज हमारे स्टोर में था ताकि वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देगी आपको न्यू मशीन्स पे और न्यू कस्टमर कार पे कैसे काम करना है. क्योंकि ट्रेनिंग में तो हमने किसी और की गाड़ी पे काम किया और थोड़ा सा कंट्रोल एनवायरनमेंट था. और हमारे स्टूडियो में जब हमने फर्स्ट टाइम काम किया तो हमें HO की तरफ से स्टाफ आया था जिसमें पूरा हमें ट्रेन किया कि गाड़ी पे काम कैसे करना है, न्यू मशीन्स को कैसे ऑपरेट करना है ताकि मशीन और पेंट दोनों सेफ रहें. तो वो सपोर्ट बहुत इनिशियल में बहुत सपोर्ट मिला 4-5 दिन का. एंड प्लस रेगुलर सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, वो तो हमें शुरू से मिलता ही रहा. इन टर्म्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च जो रेगुलर बेसिस पे ब्रांड करता ही रहता है, तो इस बिजनेस में ब्रांड सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर आप ब्रांड आपको छोड़ दें कि आपको खुद काम करना है तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव. तो इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, नॉलेज और बीच बीच में जो नए प्रोडक्ट्स की अपडेट आती रहती है ताकि वी आर अहेड फ्रॉम द मार्केट, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था कार्सपा में. तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट HO से है हमें. और इवन हमारे पास कई प्रॉस्पेक्ट भी कई बार आते हैं कि भाई कार्सपा के साथ जुड़ना चाहिए. मैं तो उनको सबसे पहले बोलता हूँ यू शुड ज्वाइन, करना ही चाहिए.
काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है कार स्पा का, और स्पेशली इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट में जैसे आपकी जो लॉजिस्टिक टीम है या हेमंत जी है फॉर एग्जाम्पल, निखिल है, उनसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कि प्रोडक्ट बहुत टाइम पे पहुँचते हैं और सब कुछ ईज है बेसिकली, ऐसा कुछ नहीं, हैसल नहीं होती कि हमें किसको फ़ोन करना है, किससे क्या पूछना है, देर इज नो कन्फ्यूजन, देर इज वेरी क्लैरिटी है कि किसको से किससे क्या पूछना है और काम अपना हो जाएगा। सो दैट सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उससे हमें भी ईजी रहता है, दैट सो वी कैन फोकस मोर ऑन बिजनेस रादर कि हम एचओ से ही लड़ते रहें या पूछते रहें कि सामान कहाँ कब कैसे क्या आएगा, तो वो सब बहुत ईज है बेसिकली, जब ईज है तो वी कैन मोर फोकस ऑन बिजनेस जनरेशन और कस्टमर एक्सपीरियंस, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है सपोर्ट बेसिकली। ओके थैंक यू फॉर द डिटेल्ड आंसर। सो एट एचओ ऑल्सो मेरा हमारी जो टीम का ऑब्जेक्टिव है बेसिकली, वेयर वी वॉन्ट टू प्राइड आर सेल्व्स इन इज ऑन द सपोर्ट दैट वी गिव टू एवरी न्यू फ्रेंचाइजी दैट एंटर्स दिस नेटवर्क। सबसे ज़्यादा फोकस भी है हेड ऑफिस का आज की तारीख में वहीं पे है, तो वी बिल्ड डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स, जैसे आपको अभी ध्यान है आर एम की टीम बन चुकी है, एक नॉर्थ का रेसिडेंट आर एम है जो दिल्ली में ही है। करेक्ट। सो द अटेम्प्ट इज के जितना ज़्यादा सपोर्ट हो सके, जी जितना ज़्यादा सपोर्ट हम दे सके हमारी एक फ्रेंचाइज पार्टनर को, उतना अच्छा है दोनों के बिजनेस के लिए, बिकॉज इफ यू डू वेल देन ओनली वी डू वेल, सो दैट इज वेरी क्लियर इन आवर हेड एंड उसके आजू बाजू ही पूरा अटेम्प्ट है हमारा। आपने बीच में बताया कि बिजनेस ग्रोथ एंड कस्टमर एक्सपीरियंस पे ध्यान दे पाती है आप दे पाते हो जस्ट बिकॉज के आपको एक सर्टेनिटी है कि सपोर्ट बाकी सब एंगल्स में सॉर्टेड है। आई जस्ट वॉन्टेड टू अगेन सबको बताना चाहूँगा कि हेमंत जी कार्स्पा गुड़गांव गॉट एन अवार्ड ऑफ बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस एंड बेस्ट कस्टमर इन टर्म्स ऑफ गूगल रेटिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट इन आर क्लब कार्स्पा कॉन्क्लेव। तो हर साल गोवा में जो हमारा कॉन्क्लेव होता है उधर हेमंत जी हैड गॉट दैट अवार्ड, विच मीन्स दैट ही हैज एक्चुअली वर्कड हार्ड ऑन हिज कस्टमर एक्सपीरियंस। फोन करता है तो वो एक जो इनिशियल कॉल होती है 3-4 मिनट की, जो फर्स्ट कॉल आता है नॉर्मली हमारे यहाँ वॉकिंग थोड़ा काम है, फोन पे इंक्वायरी आती है, तो वो 3-4 मिनट में मैं कोशिश करता हूँ कि कस्टमर को गाइड करें कि सर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस तरह का गाड़ी का आपका यूसेज है, ताकि उसको अंडरस्टैंड कराऊँ कि कोटिंग की रिक्वायरमेंट है या पीपीएफ की रिक्वायरमेंट है। तो वो डिफ्रेंशिएट करता है फ्रॉम नॉन कार्स पास, बिकॉज बाकी ब्रांड्स पर जब आप कॉल करते हैं तो उनका पहला क्वेश्चन होता है कि भाई सेरामिक कोटिंग की कॉस्ट क्या है, वो सीधा आंसर देते हैं कि सर एक्स अमाउंट है और आप गाड़ी छुड़वा दो और हम कर देंगे। बट यहाँ पर एक्सपीरियंस अलग तरीके से स्टार्ट करना पड़ता है कि सर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सा कार का कलर है, यूसेज क्या है, गाड़ी क्लीन कौन करता है, हाईवे ड्राइविंग है या नहीं है, देन यू गाइड देम कि सर आपके लिए 10H बेटर है, ग्राफीन या पीपीए बेटर है। तो वो एक्सपीरियंस शायद बाकी कार्स नॉन कार्स वाले शायद नहीं देते, तो वो मैं कोशिश करता हूँ कस्टमर को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दें, देन लेट हिम डिसाइड कि उसको लगाना क्या है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में कस्टमर शोरूम पर जब आते हैं तो कन्विंस होकर गाड़ी छोड़ जाते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन की मिस सेलिंग करना या अप सेलिंग करना कि सर आप ये भी करवा लो वो भी करवा लो, रादर देन उसकी नीड को सर्च करके। और फिर गूगल रिव्यू हम उनसे इसलिए कराते हैं कि भाई गूगल रिव्यू अच्छा करेंगे तो देन डेफिनेटली हमारी पब्लिसिटी बढ़ेगी, और हर कस्टमर गूगल रिव्यू नहीं करता बिकॉज काफ़ी लोग बिजी भी होते हैं, बट कोशिश करते हैं कि हर कस्टमर गूगल रिव्यू के लिए बोलें, तो वो रिव्यू भी अपने हिसाब से लिखता है। काफ़ी लोग हैं कि बोलते हैं कि सर आपके रिव्यू कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं, तो इसका मतलब देर इज समथिंग फिशी। तो मेरा उनको आंसर होता है कि सर इस तरह से तो हमारे रिव्यू 2-3 हज़ार होते हैं आज तक, मतलब अगर हम फेक ही करना होते तो हम बहुत सारे फेक कर चुके होते हैं, बट दीज आर ट्रू रिव्यूज फ्रॉम कस्टमर एंड वो रिफ्लेक्ट करता है कस्टमर के एक्सपीरियंस में। तो कस्टमर एक्सपीरियंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि रादर देन कि सर प्राइस पॉइंट एक सेकेंडरी थिंग है मेरा ही मानना ये है। मतलब कस्टमर के नीड समझ के एज एन एक्सपर्ट आप उसको एक प्रोडक्ट या एक सर्विस रिकमेंड करेंगे, सजेस्ट करेंगे, इंस्टेड ऑफ एक पुशी सेल्स यार मुझे ये बेचना है तो ये प्रोडक्ट में ज्यादा मार्जिन है, ये प्रोडक्ट पुशी सेल करना है, डिस्काउंट करेक्ट जी। हां दोनों के प्रोज एंड कॉन्स बताना कि आई थिंक हां
कि भाई कोटिंग का क्या बेनिफिट है या अपना पीपीएफ का क्या बेनिफिट है, प्लस हम उनको जो आपके कार्स पर के एचओटी के ब्लॉग होते हैं वो नॉर्मली मैं हर कस्टमर को शेयर करता हूँ, जिसमें बता रखा है कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेरामिक कोटिंग एंड पीपीएफ एंड हु इज विनर व्हिच इज बेटर। सो उसको भी क्लैरिटी आई थी कि जो मैंने बोला और जो हेड ऑफिस की लैंग्वेज है ब्लॉग की वो काफ़ी मैच करती है, वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि यार सेरामिक कोटिंग ठीक है या पीपीएफ ठीक है। वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको प्रॉपर रिटर्न में भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना कि सर आप ब्लॉग पढ़ सकते हैं, हेड ऑफिस के ब्लॉग हैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो वो एक्सपीरियंस दिया। कंसिस्टेंसी मैसेजिंग उसको मिलती है एक कस्टमर, हाँ करेक्ट, कि हम जो बोलते हैं हेड ऑफिस सेम ही जी। कस्टमर एक्सपीरियंस में तो वी नो दैट यू आर अ किंग, वो तो हम काफ़ी सालों से जानते हैं आप, बट हाउ हैज दैट रिजल्टेड इन बिजनेस ग्रोथ फॉर यू? सो इफ यू कैन शेड सम लाइट ऑन द नंबर्स और द नंबर ऑफ कार्स दैट यू हैव इंक्रीज्ड ओवर टाइम, चार साल का जर्नी कैसा रहा है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस पर्सपेक्टिव? हाँ देखिए, इनिशियल डेज में तो जब हमने 2019 में स्टार्ट किया था तो इतना ज़्यादा ब्रूम नहीं था कोटिंग वगैरह का, एंड हमने अगस्त में स्टार्ट किया था, तो फ्रॉम अगस्त टू दिसंबर वी वर डूइंग 6-7 कार्स कोटिंग की पर मंथ, जो इनिशियल हमारे हार्डले कस्टमर थे या रेफरेंस कस्टमर थे। देन हमने जनवरी फरवरी में बहुत अच्छा बिजनेस किया, देन कोविड केम, तो कोविड से भी हमें वो लर्निंग मिला कि अपने रिसोर्सेज को कम रखो, अपने एक्सपेंस कम रखने चाहिए, एंड देन कोविड लॉकडाउन हुआ, उसके लॉकडाउन के बाद हमने वापस बाउंस बैक किया, बिजनेस रिवाइव वापस जून या जुलाई में स्टार्ट हुआ दोबारा 2020 में, एंड देन वी गेन 12-13 कोटिंग्स हम पर मंथ करना स्टार्ट किया हमने, देन वी गॉट टू 15 कोटिंग्स, फिर वापस सेकेंड लॉकडाउन आया 2021, बट वी वर वेरी श्योर कि लॉकडाउन एक टेम्प्रेरी इफेक्ट है जो सेकेंड आया था, क्योंकि फर्स्ट हमने एक्सपीरियंस कर लिया था कि बाउंस बैक तो करेंगे डेफिनेटली। 21 में हमने ऑफिस आई थिंक अप्रैल में ऑफिस लॉकडाउन खुला था, एंड देन धीरे धीरे करते करते हम अगर आज की डेट की बात करें तो वी आर डूइंग अराउंड 30-35 कार्स कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सेरामिक कोटिंग की, और रेफरेंस बिजनेस हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मतलब जिस कस्टमर की गाड़ी हमने 2019 या 2020 में की थी ही हैज अपग्रेडेड टू सम अदर कार, और कार लीजिंग गुड़गांव में काफ़ी पॉपुलर है या उसके किसी रिलेटिव ने गाड़ी ली है, तो रेफरेंस बिजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसको अच्छा लगा कि कोटिंग उसकी 2019 में जो की थी वो 22 तक ही चल गई है, कार भी मेंटेन्ड है, उनकी मेंटेनेंस पे भी गाड़ी आती है, तो रेफरेंस बिजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। और हमने ये एक्सपीरियंस किया पिछले 4 साल में कि अंकुर सर भी कहते हैं कि वंस अ कार ओनर इज ऑलवेज अ कार ओनर, तो जब वो कार लेगा तो बाद में अपग्रेड करेगा ही, और उसको अच्छा एक्सपीरियंस होगा तो ही विल कम बैक टू कार्स का बढ़ेगा अगर उसको एक्सपीरियंस अच्छा लगेगा तो। तो हम भी कोशिश करते हैं कि रेफरेंस बिजनेस से ज़्यादा बिजनेस आता है हमें, तो कस्टमर का ट्रस्ट एक बार बन गया कार्स का बढ़ेगा उसे तो ही विल कम अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ये है। तो फ्रॉम 2019 to 2023 जर्नी जारी फैंटास्टिक, मतलब उस टाइम तो बहुत कम अवेयरनेस थी, अभी तो अवेयरनेस नेक्स्ट लेवल पर चली गई है, काफ़ी कस्टमर इन्फॉर्म होके आते हैं, उनको पता होता है कि वॉट इज सेरामिक कोटिंग या करानी भी चाहिए सेरामिक कोटिंग, पीपीएफ भी करानी चाहिए, तो काफ़ी चेंज हो गया अभी मार्केट डायनामिक्स काफ़ी चेंज हो गए, और ये तो जर्नी वॉज फैंटास्टिक, मतलब हमने बहुत कुछ सीखा जी, अवेयर हो गया जी। तो पहले कस्टमर को हमें बहुत ज़्यादा कन्विंस करना पड़ता, और अगर हम आज की बात करें तो अभी कस्टमर को हमें बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं करना, तो उसको पता होता है कि भाई वोट इस रामे कोटिंग करानी है, कौन सी कराएं, किससे कराएं, या गूगल रिव्यू देख के भी आते हैं, तो अभी थोड़ा सा कस्टमर इन्फॉर्म है ये है। तो जर्नी आपकी जो 4 साल की जर्नी हैज बीन फैंटास्टिक, कोविड आने के बाद हाँ, मतलब हाँ, फ्रॉम बिजनेस इवन फैमिली मेंबर्स ने कहा कि आप जी जी क्या आपकी फैमिली, मतलब वाइफ ने बोला कि आपने हाँ कि जॉब छोड़ के आपने बिजनेस शुरू कर लिया है और अब तो लॉकडाउन आ गया, तो आई सेड कि देखिए लॉकडाउन इज फॉर एवरीबॉडी नॉट फॉर अस, एंड अगर थोड़ा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखेंगे तो विल बाउंस बैक, और ये हमारे साथ ही सबके साथ ही हो रहा है। तो सेकेंड लॉकडाउन में मेरी वाइफ थोड़ा चिल्ड थे कि आपको टेंशन नहीं है, तो बिजनेस वापस आ जाए, कोविड वॉज ए गुड लर्निंग फॉर अस कि भाई कैसे बिजनेस को सस्टेन दोबारा करना है जी, इट वॉज एडवांटेज फॉर अस एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट कोविड की, हाँ ठीक है हमें अच्छी लर्निंग मिल गई कि बिजनेस को कैसे चलाना है। सीजन बिजनेसमैन अब बन गए 4 साल में, कोविड भी देख लिया हाँ, बट अप्स एंड डाउन्स भी देख लिए हाँ,
करेक्ट करेक्ट तो अब उतना स्ट्रेस नहीं होता कि भाई चलो बिजनेस में पहले तो वही लर्निंग थी हमारे लिए। ग्रेट ग्रेट जर्नी जर्नी लुक्स अमेजिंग साउंड्स अमेजिंग। नाउ व्हाट इज योर विजन फॉर योर स्टोर फॉर योर ओन बिजनेस? आपका विजन क्या है? हाउ डू यू वांट टू एक्सपांड योर बिजनेस नाउ? देखिए बिजनेस अभी हम चाहते हैं कि जैसे अभी हम अगर नंबर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट कंसिस्टेंटली 9-10 लाख का बिजनेस हम कर रहे हैं, बट अब टारगेट है कि एटलीस्ट हम 15-20 के बीच में कहीं इंक्रीज करें ताकि और ज़्यादा बिजनेस आए। और मार्केट भी डेफिनेटली बहुत बूम कर रहा है, बहुत सारे लोग अब सिरामिक कोटिंग खुद से ही कराने लग गए हैं, PPF की भी डिमांड बहुत बढ़ रही है। तो हमारा विजन है कि हम एटलीस्ट 35-40 कार्स अभी अगर हम करते हैं तो उसको 50-60 तक लाएँ ताकि रेवेन्यू भी हमारा कम से कम 15-16 लाख तक पहुँचे। एक लॉन्ग टर्म विजन ये है कि एटलीस्ट 20 तो करें हम नेक्स्ट 2024 के एंड तक या 25 तक, तो वो टारगेट है अभी कि भाई। इसलिए हमने मार्केटिंग एजेंसी से भी हेड ऑफिस के थ्रू टाई अप किया है ताकि हमारी रीच बढ़े, जिसमें हमारी एक्सपर्टीज नहीं है वो मार्केटिंग से रीच बढ़ेगी तो डेफिनेटली और कस्टमर आएंगे और लीड्स आएगी। तो अभी ये विजन है कि नंबर्स में 15-20 लाख तक पहुँचे और ये है विजन। ग्रेट ग्रेट। तो विजन तो है कि आगे बढ़ते रहना है, आई थिंक दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन बिजनेस। करेक्ट करेक्ट, वहीं पे स्थिर रहने का कोई मतलब नहीं है। आई थिंक फ्रॉम माई आई नो योर बिजनेस जी, बिकॉज आई नो योर स्टोर, बिकॉज आई नो योर बिजनेस, आई थिंक के आपका अब वो जो स्टोर है वो भी छोटा पड़ने लग गया है कि अब और गाड़ियाँ वहाँ डालना है, इट्स एफिशिएंसी गेम मोर देन। सो मे बी वॉट वी हैड डिस्कस बिफोर के वी विल बी लुकिंग एट अनदर बिगर स्टोर नाउ, सो दैट इज ऑल्सो आई थिंक समथिंग दैट वी नो दैट यू आर लुकिंग एट। एंड जस्ट फॉर आर व्यूअर्स, जस्ट वी वॉन्टेड टू शेयर दैट छोटा स्टोर जैसे हेमंत जी का इज अ वेरी डिसेंट साइज स्टोर जहाँ पे एक या दो गाड़ी आप आती है, उसमें भी 9-10 लाख का बिजनेस ही इज बीइंग एबल टू अचीव, विच इज अ गुड बिजनेस। एवरी डे कंसिस्टेंटली एवरी डे कार्स आ रही हैं। एंड नाउ आई थिंक ही विल नाउ स्टार्ट लुकिंग फॉर अनदर लोकेशन और इसको ही एक्सपांड करेंगे आजू बाजू का कहीं से टू गेट दैट बिजनेस अप। सो दैट यस बिगर स्पेस मीन्स मोर कार्स आर पॉसिबल। Perfect, perfect. Just a couple of more questions. I think we are almost at the end of our review call from you. Any favorite memory with the brand? कोई भी memory हो सकती है. Anything that is something that has stuck with you? हाँ, favorite memory मतलब जो cars party Goa में meeting होती है, मतलब उसके लिए हम excited रहते हैं कि चलो next year के destination पे जाना है। तो बहुत अच्छी मेमोरी थी कि चलो गोवा में एक मीटिंग भी होती है, बहुत लोगों कार्स वाले लोगों से मिलना भी आता है और थोड़ा सा फन फैक्टर भी आता है जी। तो फन एंड वर्क दोनों एक जगह मिल जाए तो अच्छा लगता है कि बाकी जितने भी कार्स पार्क और ओनर आते हैं उनसे बात करके थोड़ा न्यू लर्निंग होती है बेसिकली, तो वो अच्छा लगता है। मैं अभी कब मेरे को भी लगता है कि वो क्लब कार्स पार्क कॉन्क्लेव जो हर साल होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हर एक फ्रेंचाइज पार्टनर को एक दूसरे से लर्निंग अपॉर्चुनिटी तो मिलती ही मिलती है। वी ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर आवर व्यूज अबाउट हाउ द मार्केट इज प्रोसीडिंग, एंड देन कंसिडरिंग सब लोग एक ही बिजनेस में है, सबका माइंडसेट एक जैसा है, तो एक क्लब एक कम्युनिटी टाइप फीलिंग आती है विच हेल्प्स एवरीबडी टू एंजॉय एंड बी गुड फ्रेंड्स। तो दैट इज ऑल्सो अ बिग ऑब्जेक्टिव ऑफ सच कॉन्क्लेव्स। ग्रेट ग्रेट। जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन हेमंत जी, थैंक आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन है मेरे लिए। एनीथिंग दैट इज ऑन योर माइंड इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी शुड इम्प्रूव फ्रॉम अ ब्रांड पर्सपेक्टिव या सपोर्ट पर्सपेक्टिव या वट एवर फीडबैक यू हैव कि शायद कार्सपा ऐसा करे तो और बेटर हो सकता है, एनीथिंग वी आर वी वुड लाइक टू हियर दैट पॉइंट ऑल्सो एंड ट्राई एंड इम्प्लीमेंट। हाँ, जैसे मतलब मैंने एक बार लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि अगर कार्सपा जैसे थोड़ा इन्फ्लुएंसर पे अगर थोड़ा और मतलब पुश करें कि भाई कोई एक नेशनल इन्फ्लुएंसर या मेबी एक रीजनल इन्फ्लुएंसर को टारगेट करके, तो उससे क्या होता है कि इन्फ्लुएंसर से उस पर्टिकुलर एरिया के या नॉर्थ के या साउथ के मतलब काफ़ी टारगेट कस्टमर अच्छा मिल जाता है। तो इन्फ्लुएंसर से अगर हम टाई अप करें
उसको थोड़ा सा कंसिस्टेंट रखें तो बिजनेस और रीच बहुत तेजी से बढ़ सकती है इन एवरी मार्केट बेसिकली। वो सजेशन है कि अगर आप उस पर थोड़ा ध्यान दें तो कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हर जगह चल रहा है इन्फ्लुएंसर्स। हर ब्रांड मतलब नॉट कार स्पा बट हर इंडस्ट्री के ब्रांड में इन्फ्लुएंसर घुस गए हैं। मतलब इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इन्फ्लुएंसर के लिए भी गाइडलाइंस तय की थी कि भाई आपको इस तरह से बोलना है, इस तरह से नहीं बोलना है। तो मतलब ये नेक्स्ट वेव धीरे धीरे आ रही है, तो आई थिंक वी शुड बी ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। वो एक सजेशन अगर वो करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मे बी नेशनल हो या मे बी लोकल हो या मे बी। नहीं, इट्स अ गुड सजेशन एंड वी आर रेस्ट अश्योर आल्सो वर्किंग ऑन इट। बीच में वी हैव ऑलरेडी टाइड अप विद अ बिग इन्फ्लुएंसर कॉल्ड पावर ड्रिफ्ट, आई एम श्योर एवरीबॉडी नोस दैट। हां, वो बहुत अच्छा था वो। यस, एंड नाउ द प्लान इज टू गेट लोकल इन्फ्लुएंसर्स डन। तो वी हैव एक्चुअली हायर्ड अनदर पर्सन इन आवर टीम जिसका काम यही है अब टू सपोर्ट एवरी फ्रेंचाइजी ऑन अ लोकल बेसिस। तो ही विल बी रिव्यूइंग ऑल योर चैनल्स एंड हेल्पिंग यू आउट and he will be looking and finding out new influencers and then connecting the right part franchisee with the right type of influencer, and ताकि हम local and semi local मतलब state level local level influencer marketing भी बहुत strongly कर सके। तो we have already started working on it, जैसा आपने suggestion दिया था गोवा में, and thank you again for bringing it up। थोड़ा इसको और speed up करा देते हैं and we'll get that done। हाँ, शाबाश। That's about it, Hemant ji. Thank you so much for your time. Anything that you would like to add, we are here. Thank anything, you. Any feedback Thank that you want to give? आपको कोई अगर tips and tricks देनी है new franchisee prospects के लिए जो सोच रहे हैं business enter करें, तो this is your stage for that. हाँ, अरे मतलब जो भी नई franchise खोलने की सोच रहे हैं वो definitely Carl's Spa is a good brand. It is the oldest brand. मतलब आप किसी और brand से compare करेंगे तो comparison है ही नहीं। We are doing since 2007, 15, 20 lakh कर चुके हैं, very transparent। आप किसी भी स्टूडियो में जाइए कार्स पा के, प्रॉस्पेक्ट को बोलता हूँ किसी भी स्टूडियो में जाइए तो they will always say fantastic words about brand and head office। ये बहुत कम जगह होता है। If you visit non कार्स पा स्टोर they will definitely cringe कि सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हेड ऑफिस से सपोर्ट नहीं मिलता इस ब्रांड का। कार्स पा में कभी भी मैंने किसी के वर्ड से 4 साल में आज तक सुना नहीं नेगेटिव वर्ड कि कार्स पा से ये नहीं हो रहा। तो ये सब पॉजिटिव लोग हैं, मतलब कोई नया प्रोस्पेक्ट जुड़ेगा तो डेफिनेटली ग्रो ही करेगा। थैंक यू सो मच। मैं तो बहुत खुश हूँ, मतलब 4 साल मेरे को लगता है कि मुझे बिजनेस पहले ही खोल लेना चाहिए। तो मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ एटलीस्ट फ्रॉम ट्रांजिशन फ्रॉम जॉब टू बिजनेस। काफी फ्रीडम है इन टर्म्स ऑफ वर्क कह लीजिए या क्रिएटिव कह लीजिए या सब कुछ। तो आसपास से ग्रेट प्रोस्पेक्ट को डेफिनेटली जुड़ना चाहिए। Thank you so much, Hemant ji, for these very, very, very kind words. Thank you so much. And that is it from our side. And thank you so much for your time today. It's early in the morning. It's time for now. I think people will start coming. काम चालू हो जाएगा थोड़ी देर में. So, हाँ जी, हाँ जी. We'll take your leave and thank you so much once again. Congratulations on completing 4 years. And all thank the you, very thanks. Very best for the upcoming years you. Also. May the business grow even more than what we have planned for. Sure. Thank you so much. Thank you for your time. Thank you. Thanks. Perfect.